बिल्कुल, ज्यादा अगर मसाले हो, चटपटे हो, तो आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। कई सारी जैसे आपने बातें बताई कि हमें नेचुरल डाइट पर अगर हम रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ेगा। अगर हम नेचुरल डाइट को फॉलो करेंगे तो शायद हमें वेट लॉस प्रोग्राम्स लेने की जरूरत नहीं है, वो सब आर्टिफिशियल है। तो जो लोग अभी वास्तव में नेचुरल तरीके से चाह रहे हैं कि उनका जो एक्सेस वेट है, जो एक्सेस फैट है, वो कम हाँ हो जाए, तो उन्हें क्या डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा एक डाइट प्रोग्राम बताता हूं कि देखिए मैं कुछ चीजें बताता हूं जो कितना भी खाएंगे तो उनका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पहला है कि पहले नंबर पर जितना चाहे रोज फल खाएं। देखिए, डाइटिंग तो करना ही नहीं है, मैं कहता हूं खूब खाओ, अपने आप वजन आपका नॉर्मल होता जाएगा। खूब खाने के लिए कहता हूं, एंड ईट टू योर हार्ट सेटिस्फेक्शन। तो उसमें क्या मालूम है, आप चाहे रोज 10 किलो फल खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फ्रूट्स खाइए, और ड्राई फ्रूट्स में इवन जो ड्राइड फ्रूट्स भी है, खजूर, किशमिश, छुआरे, अंजीर, वो भी खाए जा सकते हैं। तो पहले नंबर पर फ्रूट्स है। सेकेंड नंबर पर अगर उनको वजन जल्दी कम करना है तो दे मस्ट फोकस ऑन मोर वेजिटेबल किंगडम, क्योंकि वेजिटेबल किंगडम क्या करता है, जब शुगर बॉडी में फ्रूट से भी नहीं जाती, मान लो तो सूप्स है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, स्टीम्ड वेजिटेबल्स है। जब आदमी सलाद और सूप पे रहता है और स्प्राउट्स पे रहता है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी में शुगर लेवल कम जाता है, तो बॉडी फिर ऑलरेडी स्टोर्ड जो ग्लूकोज होता है, फैट, उसको जो है ना कन्वर्शन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए वेजिटेबल किंगडम पे रहने से वजन जल्दी घटता है, पहली बात। और फ्रूट्स रहेगा तो आप थोड़ा एनर्जी एंजॉय करोगे, फ्रूट्स में थोड़ा धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा, लेकिन 100% कम होगा। और तीसरा जो है, जितने भी जो प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं, जैसे ऑल टाइप ऑफ स्प्राउट्स, वो चाहे 10 किलो खा लो, आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, चौथा जो है वो है नट्स। नट्स जो है वो हाई क्लास प्रोटीन और फैट है, वो बॉडी में कभी भी डिपॉजिट नहीं होते। मैंने आपको बताया ना, आप 1 किलो नट्स खा लो तो डायरिया हो जाएगा, वेट नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप कोकोनट खाइए, मूंगफली खाइए, बादाम खाइए, पिस्ता खाइए, चिलगोजा खाइए, हेजलनट, ब्रेजलनट, पाइन नट, सो मेनी नट्स यू कैन ईट। इवन यू कैन हैव सीड्स ऑल्सो, दे ऑल्सो डोंट इंक्रीज योर वेट। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम कुकिंग रेंज में आते हैं, तो अब इसमें मैं आपको क्या करना है कि पहले आपको वेजिटेबल किंगडम से स्टार्ट करना चाहिए, जो आपका वेट कम बढ़ाएगी। जैसे रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स जैसे भुने हुए आलू, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, यानी तो अमेरिकन कॉर्न जो स्वीट कॉर्न होते हैं, क्योंकि वो होल ग्रेन है, स्वीट कॉर्न है। और यानी तो आजकल थोड़ा सा कर्ड भी ले सकते हैं कभी कभार, क्योंकि वो इतना वेट बढ़ाने में मदद नहीं करता। और कभी कभार टोफू होता है ना, टोफू एक सोयाबीन का टोफू होता है, तो वो टोफू भी लिया जा सकता है। और उसके बाद में सिंघाड़ा, जैसे इंडिया में चेस्ट नट जिसको कहते हैं, वो भी लोग काफी खाते हैं। तो ये सब जो रूट से जो नीचे आते हैं, जो डिफरेंट कैरेक्टर है, ये कभी भी वेट नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद और आगे ऊपर जाते हैं तो फिर हमें जो होल ग्रेन खाना चाहिए, जितना भी मतलब साबुत गेहूं, साबुत बाजरा, साबुत ज्वार, साबुत जो भी रागी, व्हाट एवर यू हैव, यू कैन बॉइल देम विद वेजिटेबल्स एंड यू कैन ईट विदाउट विदाउट ऑल्टरिंग देम इनटू मशीन्स। आप एज इट इज कुक करके खाएं तो आपका वेट बहुत कम बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको फ्लोर बना दिया, आपने आटा बना दिया, तो जो ड्राई चीजें हो जाती है ना, वो फिर आप उसके कारण फिर आपका वेट थोड़ा बढ़ने लगेगा। तो इसीलिए पानी में जो उबला हुआ अन्न होता है ना, दलिया, खिचड़ी वगैरह है, वो जनरली शुगर और वेट कम बढ़ाता है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि पानी में उबला हुआ वाटर कंटेंट, देखिए जो वाटर कंटेंट फूड होता है ना, वो आप ज्यादा खा नहीं सकते, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। आज फ्रूट्स और सैलड्स क्यों ज्यादा खाया नहीं जाता, क्योंकि वाटर कंटेंट है। तो जितना वाटर कंटेंट फूड खाएंगे ना, उससे कभी भी आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और इवन यू कैन हैव ऑल स्टीम वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, वजन। देखिए, भारत में महिलाओं के वजन बढ़ने का कारण क्या मालूम है, हमारी जो सब्जियां खाते हैं ना घर में हम लोग पका के, उसके अंदर जो तेल में जो प्याज टमाटर भूनते हैं ना, सबसे डेंजर जोन वहीं पर ही है, क्योंकि वो प्याज टमाटर भून के उनको नहीं खाना चाहिए। उनको हल्का सा तेल, 2 मिनट छोंक के लिए थोड़ा घी तेल डाल दिया और सब्जी में जरा मसाला डाल के खा लिया, तो उससे फिर उतना वेट बढ़ने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि
क्योंकि इतना फैट तो बॉडी मेंटेन कर लेती है, यूं समझ लें। तो ऐसे करके सब्जी को जो फ्राई की जाती है ना, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। ओकेजनली खा लिया तो कोई बात नहीं, बॉडी कैन टॉलरेट सो मेनी थिंग्स, लेकिन रेगुलर लाइफ में थोड़ा इसकी केयर करनी चाहिए। और सॉल्ट में क्या होता है, अगर हम रिफाइंड सॉल्ट खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो वो बॉडी में जाकर वाटर रिटेंशन बहुत करता है, उससे भी वेट बहुत बढ़ता है। तो उनको जनरली रॉक सॉल्ट खाना चाहिए, सेंधा नमक या काला नमक, यानी तो हिमालयन सॉल्ट भी आजकल जो कहते हैं। तो इस तरह के सॉल्ट जो है ना, आपका पानी रिटेंशन कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है ना बड़ा अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा। तो ऐसे करके, और बाद में अगर आपको रोटी वगैरह भी खानी है, मान लो तो चावल खाएं तो ब्राउन राइस खाने की कोशिश करें, क्योंकि ब्राउन राइस कभी भी वेट नहीं बढ़ाता। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो राइस ईटिंग कंट्रीज है, जितनी भी अब जैसे साउथ इंडिया है, चाइना है, जापान है, मतलब जो भी डिफरेंट नेपाल है, आप देखोगे कि वहां पे सबसे मोटे लोग कम है। जनरली लोगों के दिमाग में क्या होता है कि चावल खाने से वेट बढ़ता है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। आपने आप देखो ना, आपके सामने प्रत्यक्ष है ना कि नॉर्थ इंडिया के लोग ज्यादा मोटे हैं और साउथ इंडिया के लोग ज्यादा पतले हैं। एक्चुअली वो तो दिन में इतना इतना चावल खाते हैं तो भी उनका वेट नहीं बढ़ता। तो इसीलिए चावल जो है ना वो बहुत अच्छा आहार, मतलब ग्रेन में वो सबसे जल्दी डाइजेस्टिंग फूड है और बॉडी में बहुत ज्यादा वेट के वेट जो है कभी रखता नहीं है। ये भ्रम लोगों को तोड़ देना चाहिए। और नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना पूर्णिमा जी, वो क्या है कि नॉर्थ इंडिया में जितनी भी सब्जियां बनती है ना, वो एक तो देखिए राजस्थान में बहुत घी तेल मसाले डाले जाते हैं, आंध्रा में भी बहुत घी तेल मसाले डाले जाते हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो पंजाबी सब्जी है ना वो थोड़ा मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और लेकिन वो बड़ी डेंजरस सब्जियां हैं, क्योंकि कोई ऐसी सब्जी नहीं है जिसमें प्याज टमाटर और हैवी ग्रेवी ना हो, चाहे वो पालक पनीर बनाओ के मटर पनीर बनाओ के पनीर कोफ्ता बनाओ के दम आलू बनाओ के छोले बनाओ के राजमा बनाओ के बैंगन भरता बनाओ, ये सब ऑयली, बहुत ग्रीसी और ऑयली फूड होते हैं। ये हमारे बीमारी के, हमारे वेट बढ़ाने के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। यूं समझ लें कि आप जब थाली में खाना खाते हो ना, तो अगर आपके थाली में जी खाने में आपको मान लीजिए तेल नजर आता है, तो आप समझ लेना कि आपको आपको साबुन से थाली धोना पड़े, तो समझना हेल्थ से हाथ धो रहे हो। और खाना खाने के बाद आपको हाथ जाके साबुन से धोना पड़े, तो समझ लेना कि तुम्हें 100% अपने हेल्थ से हाथ धोना पड़ेगा और डॉक्टर को पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्यों, ये डेंजर जोन है। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है, साउथ इंडियन सब्जी आप देखोगे ना वो इतनी हल्की होती है उनकी सब्जियां तेल में, कि अगर आप खाना खा भी लो ना तो उनके थाली में तेल नजर नहीं आता, मतलब दे प्रिपेयर इन सच ए वे। तो इस तरह से हमें ये समझना बहुत जरूरी है।